妈，妈，क्या देख रहा है बोल। माँ वो सिकंदर है, जरूर नीला ने बुलाया होगा, लेकिन माँ मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया, मैंने भीमा को बोला कि उसको बाहर ही रख। माँ माँ क्या करेंगे हम? एक काम कर, उसे अंदर ले और नाश्ता खिला। ठीक है माँ। माँ क्या कहा आपने? अरे उसे ऐसे किसी काम से बाहर भेज ताकि वो रात तक घर पे ना आए, तब तक मैं उसके बारे में हेमंत भाई से बात करती हूँ। माँ कमाल का आइडिया आपका। आशीष कहाँ है? भाई बाहर गए। कहाँ? पता नहीं, वहां सुबह निकल गए थे। माँ एक और बुरी खबर है। तो कभी तो अच्छी खबर लाया कर, बोल अभी। उधर वाले फिल्म बना रहे हैं। पैसे किसने दिए? पता नहीं। सबसे पहले ये पहचानना सीख कि कौन सी खबर जरूरी है और कौन सी नहीं है, ठीक है? हाँ मैंने पता लगाया था, लेकिन वो फाइनेंसर है ना, वो मार्केट का नहीं है। अरे तो पता लगा कि वो कौन है। माँ क्या पता लगाने की बात कर रही है? कुछ नहीं, बिजनेस का टेंशन चल रहा है, वो तो चलता रहता है। पक्का वही बात है? मतलब कोई और बात की टेंशन तो नहीं है ना? है ना। तुम्हारे मेहंदी का प्रोग्राम फिक्स करना है और केतन तुम्हें ये देखना है कि उस माल को कैसे रोक सके, बाकी मैं देख लूंगी। जी माँ। जा। माँ एप्पल खाइए ना। कैसा है? ठीक है, मीठा है। होना ही चाहिए, सिकंदर चाचा जो लेकर आए हैं। फ्रूट्स खरीदने में सिकंदर चाचा की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता, है ना? अच्छा खाइए, मैं मेहंदी की तैयारियां करती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? बात क्या है बाबा, आप इतने टेंस क्यों लग रहे हैं? टेंस नहीं होगा, बाहर सिकंदर को खड़ा देख कर आ रहा हूँ। वो सिकंदर चाचा मेरे लिए वेट कर रहे बाबा, मैं बाहर जाने वाली हूँ ना इसलिए। और वैसे ऐसी कोई बात हो ही नहीं रही है जो मुझसे हैंडल ही ना हो। मतलब कोई बात है ना बेटा? तुझे याद है पंडित जी ने क्या कहा था कि शादी में कोई रुकावटें आ सकती हैं? कहा था कि नहीं कहा था? क्या बाबा आप भी कहा की बात कहा जोड़ रहे हैं आप? हाँ तो बता दे क्या सच है बेटा, बताना। बेटा मैं बहुत कुछ देख कर अनदेखा कर देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच नहीं देख रहा हूँ, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। कुछ भी नहीं है बाबा, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? ये देख अपने बाबा से नजरें चुरा के बात कर रही है, इसका मतलब कुछ छुपा रही है मुझसे। नहीं। क्या तुमने उस दिन मुझसे पूछा था? क्या पूछा था? कि धोखेबाजों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, ये पूछा था ना? और ये जो बदलता व्यवहार जो है तेरा दया के साथ, ये क्या है? और आशीष का शराब पी के घर आना, ये सब क्या है? बताएगी मुझे क्या हो रहा है? वो दरअसल माने माने क्या माने, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है बेटा तेरे दिमाग में, कुछ शक है?
दया पे शक कर रही है कि वो हमें धोखा दे रही है। तो सुनने बेटा, सूरज रात में उग सकता है लेकिन दया हमें धोखा नहीं दे सकती। बाबा वो मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ बाबा। तो क्या बात है, तू दया से ढंग से बात क्यों नहीं कर रही है? बाबा वो यूं अचानक माने शादी प्रीपोन कर दी ना, तो घबराहट सी होने लगी है। ऐसा होता है लड़कियों के साथ शादी से पहले। लीला, लीला मुझे सच सच बता, तेरा आशीष से झगड़ा हुआ? आशीष ने इससे पहले कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था और मैं देख रहा हूं कि उसको शराब के नशे में धुत है, ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था उससे। मैं दया के सामने खामोश था, क्या करता, किसी को क्या शर्मिंदा करो। नीला देख बच्चा, तू मेरी कमजोरी है, तुझे इतनी भी चोट आएगी ना तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। देख, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ढूंढा ना जा सके, बशर्ते हम उसे मुंह ना मोड़ लें। बाबा सच सच तो ये है बाबा की आशीष। बाबा बाबा क्या क्या करते हो आप? इधर आइए, पहले बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए पानी, आप बैठिए बैठिए आराम से बाबा। पानी हमेशा कहती हूँ कि इतने टेंशन में मत रहिए, ये लीजिए पानी पीजिए, आराम से पानी पीजिए, थोड़ा सा और पीजिए बाबा, थोड़ा सा और। अब आइए इधर आइए, चलिए उठिए, यहाँ आराम से आके लेटिए, आइए आराम से आइए आइए बैठिए। क्यों करते हैं ऐसा, हमेशा इतने परेशान रहते हो आप, चुपचाप लेटिए पहले आराम से आराम से। क्यों हमेशा ऐसे परेशान रहते हो बाबा, बहुत दर्द हो रहा है? आशीष को लेके परेशान है आप? आशीष की कोई गलती नहीं है बाबा, वो तो उसके दोस्त है, सब दोस्तों ने मिलकर धोखे से उसे शराब पिला दी, बैचलर्स पार्टी है ना, वो शादी से पहले होता है ऐसा बाबा। तू सच कह रही है? हाँ बाबा, आपको पता है बाद में आशीष ने सॉरी भी कहा मुझसे, बार बार कहता रहा, बोला कि नीला आई एम सॉरी, बोला उसने। मैं तुझे ना खुश देखना चाहता हूँ, मैं बहुत खुश देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता बेटा कि जिंदगी की शुरुआत में कोई झगड़ा हो, जिंदगी में कभी कभी समझौते करने पड़ते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है, इसी का नाम जिंदगी है। बस अब आप आराम कीजिए बाबा। आराम तो बेटा तेरी शादी के बाद ही होगा।